नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनगर प्रखंड के बाना पंचायत क्षेत्र के बाना और टांगरानी इन दिनों दो गांव में डायरिया का प्रकोप से कई मरीज प्रभावित हैं। वही रविवार की अहले सुबह लगभग 2:30 बजे बाना गांव के 60 वर्षीय बुजुर्ग भुक्तु महतो की डायरिया से मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक अब तक अस्पताल में लगभग 30 डायरिया के मरीज आ चुके हैं। फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में कुल 60 डायरिया से पीड़ित मरीज इलाजरत हैं। वहीं एक की मौत हो गई और एक की गंभीर स्थिति के कारण MGM रेफर कर दिया गया। वहीं भाजपा आदिवासी नेता रमेश हांसदा ने डायरिया जैसी बीमारी से आज के समय में मरना कहीं न कहीं है, दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कमजोर है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जिला स्तरीय टेक्निकल टीम लाकर जांच करें कि आखिर क्या वजह है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करें ताकि डायरिया जैसी बीमारी से ग्रामीणों को निजात मिल सके। वहीं राजनगर में रविवार को कुल 7 डायरिया के मरीज इलाजरत हैं। राजनगर में कई गाँव में डायरिया का प्रकोप हुआ। इससे पहले भी छोटा खरी में भयानक रूप से 10-15 लोग ग्रसित हुए थे, तब हम लोग लेके आए थे मरीज को। आज भी आज बाना से सूचना मिली और हम तुरंत अस्पताल गए, वहाँ जाके देखे कि 6-7 लोग भर्ती हुए हैं और एक आदमी का निधन भी हो गया, जो बहुत ही दुखद है। डायरिया जैसे बीमारी से आज के समय में लोगों का मरना, ये साफ दर्शाता है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा हमारा ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर है। हम बार बार जिला प्रशासन से आग्रह किए हैं कि इन क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप हो रहा है, जिला स्तरीय उच्च स्तरीय टेक्निकल टीम यहाँ लाया जाए। आखिर क्यों यहाँ पर हो रहा है, पानी की गड़बड़ी है कि क्या मामला है, जांच होनी चाहिए तकनीकी एक्सपर्ट लोगों से और उस हिसाब से गांव के लोगों को क्या बोलते हैं, आवाज़ की तो बहुत ज़्यादा कमी है। और हमारा जो स्वास्थ्य कर्मी है निचला स्तर में, वो निष्क्रिय है, वो काम नहीं कर पा रहा है। गांव-गांव में ORS का घोल, गर्म पानी का मामला, इन सब चीज़ों को गांव वालों को पहले से बता देना होगा। और यदि आज की इतना मॉडर्न जमाने में भी डायरिया से मौत होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस जिला के लिए। गांव है आपका बाना टांगरानी, ये सब में डायरिया फैला हुआ है। बीच में चावराडी से भी केस आया था डायरिया का। अब तक कितने केसेस आ गए हैं? मेरे को लगता है 30 से ज़्यादा आ गए होंगे। मतलब अभी आजकल का बात करेंगे, अब तो करीब 10 लोग आ गए होंगे। 10 लोग तो सब बाना और टांगरान से ही है? जी हाँ, एक बाना के पेशेंट, हाँ बाना से ज़्यादा हैं, टांगरानी से अभी एक ही एडमिट है। एक पेशेंट का डेथ हुआ है बाना के। कब? ये आज रात को डेथ हुआ है। रेफर एक गया है केस, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद भी उनमें सुधार नहीं आया तो उनको रेफर किया गया है। टीम जा रही है, टीम गई हुई है, आपको भेजे हुए हैं, उन लोग जाके फिर देखेंगे कि वो कितने वहाँ पे पेशेंट हैं। अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको साथ लेते आएंगे, दवाई को बांट करके आएंगे। वी टाइम न्यूज़ के लिए राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट।